बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जब राजनीति की बात हो तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात जरूर होती है, लेकिन अगर डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र न हो तो बिहार की सियासत अधूरी रह जाएगी। शहबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया। हम बात कर रहे हैं 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। दरअसल सूरजभान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार गुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी करते थे, इसी से उनका घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि छोटा बेटा भी फौज में जाएगा, लेकिन सूरजभान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गईं। सूरजभान पहले बाहुबली, फिर विधायक और इसके बाद सांसद बने। सूरजभान ने 80 के दशक में छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए, फिर 90 के दशक में अपराध बढ़ते चले गए। इसमें उनका साथ कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने दिया। वहीं एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर धीरज को ही चुनावी रन में हरा दिया था। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था, ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हें ही चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। इस बात से वे बौखला गए थे। इस दौरान सूरजभान ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली जो उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था और जिनके यहाँ पिता नौकरी करते थे। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरज के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन सूरजभान नहीं माना, जिसके बाद पिता ने शर्मिंदगी में आकर गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली और कुछ दिन बाद बड़े भाई ने भी आत्महत्या कर ली। वहीं सूरजभान सिंह के सिर पर दिलीप सिंह का हाथ था। उसकी मोकामा के बाहर भी जड़ें मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई। बाद में कुछ वजहों से दिलीप और सूरजभान के रिश्तों में खटास आ गई। इस दौरान श्याम सुंदर धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन अब उनके सपने बड़े हो चुके थे। जिसके बाद 2000 में सूरजभान ने मोकामा से तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त सूरजभान पर यूपी और बिहार पुलिस में 26 मामले दर्ज थे। साल 2004 में सूरजभान रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट से बलिया के सांसद बने। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर में रहने वाले रामी सिंह की हत्या हुई। इसमें सूरजभान का भी नाम आया और लोअर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिसके बाद जून 1998 में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप भी सूरजभान पर आया, जिसके बाद 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान समेत सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी। हालांकि बाद में सूरजभान को बरी कर दिया गया। ये तो कुछ ही मामले हैं जिसमें सूरजभान को सजा हुई और वो बरी हुए, लेकिन कुछ अपराधों का चिट्ठा तो कभी खुला ही नहीं। कभी लोग सूरजभान के नाम से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सूरजभान के चुनाव लड़ने पर रोक है। उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर की सांसद रह चुकी हैं। उनके बेटे आशुतोष सिंह की साल 2018 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। न्यूज़ डेस्क।